मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज की इस वीडियो में करेंगे हम MMV यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 18। आज ये 18वीं वीडियो है, इससे पहले हम 17 वीडियो कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो भी जरूर देख ले, और जो चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्विज के क्वेश्चन से। तो ये रहा हमारा क्विज का क्वेश्चन। इस क्विज के क्वेश्चन का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, इंडिकेटर का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में मिलेगा, इसके इंडिकेटर को देख के आपने बताना ये किस चीज को इंडिकेट करता है। आपने पिछली वीडियो में बहुत सारे इंडिकेटर देखे थे, हमारे कार के डैशबोर्ड पर या हमारा व्हीकल होता है उसके डैशबोर्ड पर बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो शो करते हैं जिस भी पार्ट में हमारी कोई खराबी होती है तो वो क्या करने लग जाता है, वो इंडिकेटर ग्लो करने लग जाता है। तो आपने बताना ये इंडिकेटर क्या दर्शाता है। ए ऑप्शन है आपके पास सीट बेल्ट इंडिकेटर, बी है एयर बैग इंडिकेटर, सी है ब्रेक इंडिकेटर और डी है ABS इंडिकेटर। तो ए बी सी या डी क्या आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये हमारा आज का क्वेश्चन है 256। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, पिछले में भी हमने इंडिकेटर किए थे, ये इंडिकेटर एक बचा हुआ था, आपने बताना ये इंडिकेटर किस चीज का है इस इंडिकेटर को देख के। ऑप्शन आपके पास है डेड बल्ब यानी कि मृत बल्ब है, बी है क्रूज कंट्रोल, सी है ट्रैक्शन कंट्रोल और डी है स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो जो इंडिकेटर ये दिखाता है हमारा, यहाँ पर ऐसे हमारे आगे कार बनी हुई है और ये ऐसे यानी कि गाड़ी हिल रही है, ऐसे इधर उधर जा रही है, यानी कि ये क्या दिखाता है हमारा स्टेबिलिटी कंट्रोल को दिखाता है, स्थिरता नियंत्रण में। अगर हमारी ये ऑफ इंडिकेट करता है कि हमारे जो स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ है, इसका मतलब हमारे गाड़ी के स्लाइड होने के चांसेस ज्यादा है। स्टेबिलिटी कंट्रोल क्या करता है, जो ये हमारी गाड़ी को स्लाइड होने से बचाता है, जो स्कीडिंग होने से बचाता है, फिसलने से बचाता है, और जब हम टर्न करते हैं तब भी फिसलने से बचाता है। तो अगर ये हमारा ऑफ पोजीशन में तो इसका मतलब हमारी गाड़ी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये फिसल सकती है, इधर उधर जा सकती है। तो ये हमारा दिखाता है स्टेबिलिटी कंट्रोल को। तो इस क्वेश्चन के लिए किस पर टिक करेंगे, हमारे डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 257। व्हाट इज द नेम ऑफ क्रैंकिंग सिस्टम, क्रैंकिंग सिस्टम का नाम बताओ डायग्राम देखकर। ये डायग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में, इसको देख के आपने बताना है कौन सा क्रैंकिंग सिस्टम है। सबसे पहले ये समझ लो क्रैंकिंग होता क्या है। क्रैंकिंग का मतलब होता है इंजन को स्टार्ट करना। किसी भी व्हीकल का इंजन अपने आप स्टार्ट नहीं होता, अपने आप पावर जनरेट नहीं करता, उससे पहले हमें उसको थोड़ी सी पावर देनी पड़ती है उसकी क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करने के लिए। जब उसकी क्रैंक शाफ्ट रोटेट हो जाती है उसके बाद वो अपनी पावर खुद लेने लग जाता है, उसमें पावर स्ट्रोक बढ़ने लग जाता है। तो स्टार्टिंग में हमें क्रैंकिंग करनी पड़ती है। जैसे आप बाइक में पहले किक लगाते थे तो किक भी क्या एक तरह का क्रैंकिंग है। आज से आपने देखा कुछ इंजन ऐसे आज से रस्सी लपेट के खींचते थे हम उसको, वो भी क्या होता है क्रैंकिंग होता है। लेकिन आजकल क्या है हमारी सेल्फ स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्ट में मोटर यूज करते हैं हम, उसमें चाबी डालते हैं एक दो सेकंड के लिए, ऐसे उसमें चिरपिंग की साउंड आती है और हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो वो मोटर के हेल्प से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए, उसी को हम क्रैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इस डायग्राम को देख के आपने बताना ये कौन सा सिस्टम है। ऑप्शन ए आपके पास कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग, बी है हाइड्रोलिक क्रैंकिंग, सी है इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग और डी है गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग। तो इस डायग्राम में देखो आप, यहाँ पर देख के आपको आसानी से पता लग जाएगा ये हमारी मोटर है और ये हमारा क्या है एयर कंप्रेसर। यहाँ पे क्या लगा हुआ एयर कंप्रेसर, तो जो ये हमारा रिजर्वायर है भाई। तो यानी कि इस सिस्टम को देख के पता लग रहा है कि हम जो क्रैंकिंग है उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, एयर का प्रयोग कर रहे हैं, कंप्रेस्ड एयर का। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। तो इस कंप्रेसर को देखते आपको पता लग जाना चाहिए ये कौन सा क्रैंकिंग सिस्टम हमारा कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 258। व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्यूल फीड सिस्टम, ईंधन फीड प्रणाली का प्रकार क्या है। डायग्राम देख के आपने बताना है कौन सा फ्यूल फीड सिस्टम है। देखो फ्यूल को भी इंजन में भेजने के लिए फीड करने के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो डायग्राम में देख के बताना आपने ये कौन सा सिस्टम है। ऑप्शन आपके पास है ग्रेविटी फीड सिस्टम यानी कि गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली, बी ऑप्शन है फोर्स फीड सिस्टम, सी ऑप्शन है वैक्यूम फीड सिस्टम और डी हमारा कार्बोरेटर फीड सिस्टम। तो इस डायग्राम से देख के आप बता सकते हो इसमें एक पंप लगा हुआ है, पंप की मदद से हम इंजन को ऑयल पहुंचाते हैं। तो यानी कि पंप का प्रयोग किया है, एक मोटर का प्रयोग किया है जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाती है, यानी कि फोर्स फीड सिस्टम में ये हमारा आएगा। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। जब हम एक्स्ट्रा पंप का यूज करेंगे, एक्स्ट्रा भारी कोई फोर्स का प्रयोग करेंगे तो वो किस में आता है हमारा फोर्स फीड सिस्टम में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 259 वेयर द इमल्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इन द सोलेक्स कार्बोरेटर। सोलेक्स कार्बोरेटर में इमल्शन ट्यूब कहां प्रदान की जाती है? देखो कार्बोरेटर में क्या करते हैं हम, एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनाते हैं। ये किसमें यूज किया जाता है? हमारा पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है, तो उसमें इमल्शन ट्यूब भी होती है। तो बता, आपने ये बताना है कि जो इमल्शन ट्यूब है वो कहां लगी होती है, किसके अंदर होती है। ऑप्शन आपके पास है चोक में, आइडल जेट में, मेन जेट में या कोल्ड स्टार्टर में। तो जो इमल्शन ट्यूब होती है वो लगी होती है हमारी मेन जेट में, यानी कि मुख्य जेट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। और इसकी डेफिनेशन है इमल्शन ट्यूब की, क्या होती है ये यहाँ लिखी हुई है या समझाने के लिए। द इमल्शन ट्यूब इज अ ब्रास ट्यूब, एक ब्रास की ट्यूब होती है जो कार्बोरेटर में लगी होती है। इसका काम होता है हमारे एयर को और फ्यूल को मिक्स करना लीनर मिक्सर में। और फिर ट्यूब क्या करती है, उसमें बहुत सारे पतले पतले छोटे छोटे टाइनी होल होते हैं, उनकी मदद से वो उस मिक्सर को क्या कर देता है, एटोमाइज कर देता है, फुहार की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। क्या? इमल्शन ट्यूब। और ये इमल्शन ट्यूब सोलेक्स कार्बोरेटर में कहां लगी होती है, मेन जेट में लगी होती है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 260, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ 6J × 15, यानी कि 6J × 15 का विनिर्देश क्या होगा, यानी कि ये क्या शो करता है, ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है टायर साइज, यानी कि टायर के आकार को, बी ऑप्शन है इंजन साइज, यानी इंजन के आकार को, सी है हमारा व्हीकल साइज यानी वाहन के आकार को, और डी है हमारा व्हील रिम साइज, पहिए के रिम के आकार को। तो ये दर्शाता है हमारा व्हील रिम के साइज को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है 6 जो है ये हमारे रिम की विड्थ होती है। क्या दिखाती है, यानी कि ये हमारे रिम की विड्थ है कितनी, 6 इंच। जे है उसका डिजाइन, डेजिग्नेशन होती है हमारे रिम के, अलग अलग डेजिग्नेशन होती है उसके डिजाइन के हिसाब से। और 15 क्या दिखाता है हमारे रिम के डायमीटर को, यानी कि रिम का डायमीटर कितना हमारा 15 इंच है इस केस में। तो ये क्या दिखाती है, इस तरह से लिखी हुई व्हील रिम के साइज को, पहिए के रिम के आकार को दर्शाती है ये, इस प्रकार से डेजिग्नेट जब हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 261, विच डिजिट इंडिकेट द इंजन टाइप इन द 17 डिजिट इन द विन नंबर। विन संख्या में 17 अंकों में इंजन का अंक किस अंक को दर्शाता है। देखो भाई, पहले तो बात ये विन इस प्रकार से नहीं आएगा, विन होता है VIN, और ये होता हमारा व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर ये प्रत्येक व्हीकल में अलग अलग होता है। इसमें 17 डिजिट होते हैं जो उस इंजन से उस व्हीकल की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। देखो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिया है, इसको हम चेसी नंबर भी बोलते हैं। आप देखते हो ना, कई बार चेसी नंबर अलग अलग होते हैं सभी गाड़ियों के, जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हो उसमें चेसिस नंबर पूछा जाता है। तो चेसिस नंबर को ही विन नंबर भी कहा जाता है, VIN व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक तरह से उसके व्हीकल को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो इसमें 17 डिजिट होते हैं, तो 17 डिजिट अलग अलग चीज को दर्शाते हैं, जैसे कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ वो मैन्युफैक्चर किया गया है, किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, व्हीकल का टाइप क्या है, इंजन का टाइप क्या है, ईयर उसका मॉडल, असेंबली कहाँ हुई है, सिक्योरिटी डिजिट उसका, सीरियल नंबर क्या है। तो सारी इंफॉर्मेशन इस 17 डिजिट में होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंजन के टाइप को कौन सा डिजिट शो करता है, तो भाई वो शो करता है हमारा 8वां डिजिट जो होता है पहले में से, जो पहला 8वां ये अंक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो ये अंक है ये दिखाएगा हमारे इंजन के टाइप को। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, इसका हो जाएगा 8th डिजिट। तो क्वेश्चन डी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 262, नेम द ड्राइव ऑन द इंजन पोजीशन। इंजन की स्थिति पर ड्राइव का नाम बताना है आपको। ये डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम को देख के आपने बताना है कौन सी ड्राइव है। ऑप्शन ए आपके पास फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, बी ऑप्शन है रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव, सी ऑप्शन है फ्रंट इंजन फोर व्हील ड्राइव, और डी है हमारा फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। तो इसके लिए आपने दो चीजें देखनी है, एक तो पहले इंजन की पोजीशन कहाँ है, उससे पता लग जाएगा फ्रंट इंजन है या रियर इंजन है। देखो जैसे यहाँ पर ये इंजन लगा हुआ है, इंजन कहाँ लगा हुआ, पिछली साइड लगा हुआ, यानी कि रियर। क्या भाई, रियर। रियर क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर एक एरो का निशान इधर दिखाता है, इसका मतलब क्या है, ये फ्रंट हिस्सा है और पिछला ये रियर हिस्सा है। तो इंजन पीछे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, रियर इंजन है। तो फ्रंट इंजन के तो सारी ऑप्शन खत्म ही होगी, फ्रंट इंजन नहीं होगा, तो ये क्या है हमारा, रियर इंजन है। वैसे भी इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बची, तो आंसर भी यही हो जाएगा। लेकिन अगर एक जगह और रियर इंजन दे रखा हो, लेकिन आगे देखो ये जो पावर सप्लाई, इस इंजन में से पावर सप्लाई कहाँ, पिछले रियर व्हील में है, आगे इसका कोई कनेक्शन नहीं है भाई, अगले व्हील से इसका कोई कनेक्शन नहीं, पावर की सप्लाई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, रियर व्हील ड्राइव है खाली। हमारा इंजन भी रियर साइड में पिछले साइड लगा हुआ है, और जो इंजन में से पावर जा रही है वो कहाँ जा रही है, पिछले पहियों में ही जा रही है, रियर व्हील में ही जा रही है। तो इसको बोलेंगे हम रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 263। नेम द ड्राइव ऑन द इंजन, पोजीशन इंजन की स्थिति पर ड्राइव का नाम बताओ। अब ये वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार का डायग्राम को देख के आपने बताना है कौन से तरह का ड्राइव है। तो आप देख सकते हो ये जो एरो है ये आगे की तरफ है, यानी कि ये व्हील अगले हैं और ये व्हील हमारे पिछले हैं। तो हमारा इंजन कहाँ रखा हुआ है, ये हमारा इंजन है, इंजन रखा हुआ आगे, तो इसका मतलब है फ्रंट इंजन पहली बात। तो रियर इंजन तो काट ही दो, फ्रंट इंजन बच गया तो फ्रंट इंजन है। इसके बाद इसकी देखो पावर कहाँ कहाँ सप्लाई हो रही है भाई। यहां से इंजन क्या है, इससे भी कनेक्ट है, अगले व्हील से भी कनेक्ट है, और यहां देखो इस शाफ्ट की मदद से ये पावर हमारी पिछले व्हील में भी गई हुई है, यानी कि फोर व्हील ड्राइव है। पावर कहां है, चारों के चारों व्हील में है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रंट इंजन फोर व्हील ड्राइव। देख लो ऑप्शन में कहां है, ये रहा हमारा फ्रंट इंजन फोर व्हील ड्राइव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, फोर व्हील ड्राइव फ्रंट इंजन। तो इंजन की पोजीशन और उसके इंजन में से सप्लाई कहां कहां पहुंची हुई, उसके हिसाब से हम ड्राइव को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 264। हाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड, विनिर्देश में किए गए कार्य की मात्रा को कैसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है टॉर्क, पावर, स्ट्रोक लेंथ या साइकिल। इस क्वेश्चन में मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं, ये पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई पावर। वर्क डन इन द स्पेसिफिक टाइम, भाई कितनी मात्रा में काम किया गया एक निर्धारित समय के बीच में, तो उसको बोलते हैं पावर, उसकी व्हीकल की पावर या किसी भी सिस्टम की पावर कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। तो पावर क्या होती है, हमारी वर्क डन अपॉन में टाइम। तो एक स्पेसिफिक टाइम में कितना वर्क डन, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया है, उसको हम बोलते हैं उसकी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 265। व्हिच इंजन हैज मोर लेंथ, किस इंजन की लंबाई अधिक होती है। देखो इंजन के जो सिलेंडर है किस पोजीशन में लगे हुए हैं, उस पोजीशन के हिसाब से अलग अलग तरह के हमारे इंजन के नाम दिए गए हैं। तो आपने बताना है इन चार में से किस इंजन की लेंथ ज्यादा होगी। ए ऑप्शन हमारे अपोज्ड इंजन, बी है वी इंजन, सी है इनलाइन इंजन, डी है रेडियल इंजन। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है। देखो भाई अपोज्ड पिस्टन इंजन ये होता है, इसमें हमारे दो जो सिलेंडर है एक दूसरे के सामने लगे होते हैं। ये हमारा रोटरी इंजन है, हालांकि ऑप्शन में नहीं गिवन है। ये इनलाइन इंजन है, इनलाइन इंजन में हमारे लाइन में इंजन लगे होते हैं, एक दूसरे के आगे ऐसे लाइन में लगे होते हैं। ये हमारा वी इंजन है, वी शेप में ऐसे लगे होते हैं। तो डायग्राम से देख के भी आप पता कर सकते हो हमारा जो अपोज्ड पिस्टन इंजन होता है इसकी लेंथ दूसरे इंजनों से ज्यादा है। तो ये पूछा गया था मोर लेंथ किस में होती है, तो किस में होंगे, हमारी अपोज्ड इंजन में हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, इंजनों की ज्यादा हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, ए पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 266। 266 विच इज द इंजन हैविंग सिलेंडर इन 180 डिग्री। 180 डिग्री में सिलेंडर वाला इंजन कौन सा होता है, यानी किस टाइप में हमारे इंजन 180 डिग्री पर सिचुएटेड होते हैं एक दूसरे से। ऑप्शन आपके पास है इनलाइन इंजन, बी है वी इंजन, सी है अपोज्ड इंजन और डी हमारा रेडियल इंजन। तो भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, जो आंसर दिया गया वो है इनलाइन इंजन जो आपकी पीडीएफ में है। तो आप किस पे टिक करोगे, ए पे टिक करोगे। लेकिन जो अपोज्ड इंजन है इसमें भी जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि आपके जो एंगल होते हैं हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के सामने होते हैं। तो इन इंजनों के बीच में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री होता है। तो इनलाइन इंजन में एक दूसरे से हमारे इंजन एक दूसरे के आगे लगे होते हैं, तो इनके बीच में भी 180 डिग्री एंगल में अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन आप ए पे टिक करना, क्योंकि आपकी पीडीएफ में ए पर आपका आंसर ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 267। हाउ कैन आइडेंटिफाई अ फोर स्ट्रोक इंजन, चार स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे हो सकती है, देख के कैसे पता कर सकते हो कि ये टू स्ट्रोक इंजन है या फोर स्ट्रोक इंजन है। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन आपके पास है वाल, बी है पोर्ट, सी है कैविटीज और डी है पैसेज। तो इनको देख के कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा इंजन फोर स्ट्रोक है या टू स्ट्रोक। तो याद रखना जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें हमारी वाल्व्स लगी होती हैं। अगर वाल्व्स लगी हुई तो वो कौन सा इंजन है, फोर स्ट्रोक इंजन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ए हो जाएगा। और अगर हमारा टू स्ट्रोक इंजन हो तो टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होती, उसमें क्या लगे होते हैं, पोर्ट लगे होते हैं। ये दो ऑप्शन तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखे, इनको देखने की जरूरत भी नहीं है। वाल और पोर्ट, अगर पोर्ट लगे हैं तो हमारा इंजन टू स्ट्रोक है, अगर उसमें वाल लगे हुए हैं तो हमारा क्या इंजन, फोर स्ट्रोक है। तो यहाँ पूछा गया था फोर स्ट्रोक को कैसे पता करोगे, तो अगर उसमें वाल लगी हुई तो क्या हो जाएगा, वो फोर स्ट्रोक हो जाएगा इंजन। और वाल कौन सी होती है हमारी, इनलेट वाल और एग्जॉस्ट वाल, दो तरह की वाल लगी होती है। और टू स्ट्रोक में जो पोर्ट होती है वो तीन होती है हमारी, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और डिलीवरी पोर्ट। तो इनको देख के आप पता कर सकते हो इंजन किस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 268। व्हाट इज द वर्किंग साइकिल ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन का कार्य चक्कर क्या है। ऑप्शन आपके पास है डीजल साइकिल, बी है ऑटो साइकिल, सी है स्टिर्लिंग साइकिल और डी है रैनकाइन साइकिल।
तो जो हमारा कंप्रेशन इग्निशन यानी कि सीआई इंजन, इसको हम डीजल इंजन भी बोलते हैं। डीजल इंजन में हमारी क्या करती है, सिर्फ खाली एयर कंप्रेस होती है, उसके बाद हम डीजल को उसके ऊपर छिड़कते हैं जिससे हमारा कंबस्टन होता है। तो कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन को डीजल इंजन भी बोलते हैं। और जो इसकी कार्य वर्किंग साइकिल होता है वो किस पर काम करता है, हमारे डीजल साइकिल पर ही करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। आप याद रख सकते हो कंप्रेशन यानी कि सीआई इंजन, सीआई इंजन का मतलब डीजल इंजन, और किस पे वर्किंग जो होती है इसकी, डीजल साइकिल पे होती है। अगर पेट्रोल इंजन होता हमारा तो किस पे काम करता, हमारा ऑटो साइकिल पर काम करता। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 269, हाउ द पोर्ट्स आर ओपन्ड एंड क्लोज्ड इन द टू स्ट्रोक इंजन। पोर्ट, जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जो पोर्ट होती है कैसे खुलती है और कैसे बंद होती है। ऑप्शन ए आपके पास मूवमेंट ऑफ वाल्व, वाल्व की मूवमेंट के कारण, मूवमेंट ऑफ रोकर आर्म की मूवमेंट के कारण, मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, पिस्टन की संचलन के कारण। डी ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ द पिस्टन पिन, पिस्टन पिन की मूवमेंट के कारण। देखो आप समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया टू स्ट्रोक इंजन का। देखो ये हमारे पोर्ट है, हमारा एक पोर्ट ये है एग्जॉस्ट पोर्ट, ये है इनलेट पोर्ट, और ये वाला हमारा ट्रांसफर पोर्ट। तीन ही पोर्ट होते हैं हमारे टू स्ट्रोक में। तो जो ये ओपन और क्लोज यानी खुलते और बंद है किसके कारण होते हैं, इस पिस्टन की मूवमेंट के कारण, इसलिए तो इनको पोर्ट बोलते हैं। ये पिस्टन जब, देखो अभी क्या हमारा इनलेट पोर्ट खुला हुआ है क्योंकि पिस्टन की ऊपर गई हुई है, पिस्टन नीचे आ जाएगी, एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगा और ये बंद हो जाएगा। यानी पिस्टन इसके आगे अगर लग जाए, इसको रुकावट पैदा कर दे तो वो बंद हो जाएगा, अगर पिस्टन इससे दूर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पोर्ट ओपन हो जाएगा। तो ओपन और क्लोज कैसे होती है, मूवमेंट ऑफ पिस्टन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, सी पर टिक करेंगे। टू स्ट्रोक इंजन में जो पोर्ट है ओपन क्लोज कैसे होती है, पिस्टन की मूवमेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 270, हाउ मेनी क्रैंकशाफ्ट रोटेशन रिक्वायर्ड टू ओपन एग्जॉस्ट वाल्व वन टाइम इन द फोर स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन में एक बार निकास वाल्व खोलने के लिए कितने क्रैंकशाफ्ट रोटेशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपके पास वन यानी कि एक, बी ऑप्शन है टू यानी कि दो, सी ऑप्शन है थ्री यानी कि तीन, और डी ऑप्शन है फोर यानी कि चार। इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो फोर स्ट्रोक इंजन में हमारा एक साइकिल कब कंप्लीट होता है, एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है वो कितने रोटेशन लेती है, टू रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। जो क्रैंक शाफ्ट है कितनी बार रोटेट करती है, दो बार रोटेट करती है, 720 डिग्री रोटेट करती है भाई, जब एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो एक कंप्लीट साइकिल में हमारी जो एग्जॉस्ट वाल है कितनी बार ओपन होती है, हमारी एग्जॉस्ट वाल ओपन हो जाएगी वन टाइम, एक बार ओपन होगी। तो यही पूछा गया है कि एक बार खुलने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व को क्रैंक शाफ्ट कितनी रोटेशन चाहिए। तो कितनी रोटेशन, पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उसमें एक बार एग्जॉस्ट वाल्व खुलती है, और एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो हमारी क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन वो कितनी होती है, दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टू यानी कि दो, बी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारी क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन कितनी चाहिए, दो चाहिए एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और एक साइकिल में हमारी जो एग्जॉस्ट वाल्व एक बार ही खुलती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो कृपया करके इन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगे, अपने दूसरे साथियों के साथ भी इन वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।